मायसेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं आप लोगों को एक केस के ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा, यानी हम लोग आज केस डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लिप बहुत ही हेल्पफुल होगी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो इस फील्ड के अंदर मालूमात हासिल करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों, हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट आते हैं जिनकी एज है 34 इयर्स फीमेल, जिनके वाइटल्स के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, जिनका ब्लड प्रेशर है 98/64, इनकी हार्ट रेट है 98 पर मिनट, जिनका सेचुरेशन है 99। हमने लेकिन जब हम लोगों ने इनका फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू किए, जब हमने इनके साइंस पे गौर किए, तो दोस्तों आँखों में हो, चाहे ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन हो या फिर दूसरे एग्जामिनेशन हो, तो हमको बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आई। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हमको पैलेट्स क्लियर नज़र आए, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से ओरल कैविटी का जब एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, तो उस वक्त में हमको ड्राइनेस ऑफ माउथ, या दोस्तों जब हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे पास रियल में पेशेंट आते हैं, तो खास बात गौर करें दोस्तों आप, इनकी जो नेल्स हैं ये किस तरह के हैं। तो ये साइंस, अब इनके सिम्टम्स पर अगर हम बात करेंगे, तो दोस्तों सिम्टम्स उनके ये थे कि उनको तकलीफ थी कि सर हमको चलने में दम लगता है, यानी सांस फूलती है, जिसको हम लोग डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग कहते हैं। वो पेशेंट की कंप्लेंट थी दोस्तों गिड्डीनेस, यानी चक्कर आना, सांस का फूलना, सर में दर्द रहना, या फैटिग्यू यानी कि थकान सी महसूस रहना, और मेन से इरेगुलर थे। तो इस तरह की उनकी यह कंप्लेंट थी। तो इसके बेस पर दोस्तों हमने हमारे तौर से डायग्नोस एनीमिया के ताल्लुक से किए थे, लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी थी। लेकिन आज की ये जो क्लिप है, मैं बेसिक अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अगर एडवांस में जाएंगे तो बहुत लंबी क्लिप हो जाएगी। बेसिक अंदाज यही है जो कि जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए आसानी होगी, कि दोस्तों हमने जो प्रोविजनल डायग्नोस किया है वो एनीमिया के ताल्लुक से किया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एडवांस टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टिगेशन जो कि आज की अपनी इस ज़माने की ईजाद है, लेकिन उस ज़माने के अंदर जब अतिब इकराम सिर्फ पेशेंट को, मरीज़ को देखकर ही उसके हाल को पहचान लेते थे, वो चीज़ अगर हम सीखने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों यही चीज़ हमारे साथ पेश आई, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमने अपने तौर से तो उनको एनीमिया ओरिजिनल डायग्नोस के तौर पर सोचे, ओरिजिनल डायग्नोस किए हमने एनीमिया के ताल्लुक से। लेकिन दोस्तों हमारा अपना फेथ भी डबल हो जाता है, टू मच हो जाता है जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा हमको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, हमको पेशेंट की कंडीशन पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि हर रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ होता है, चाहे रिपोर्ट MRI की हो, चाहे रिपोर्ट CT स्कैन की हो, चाहे रिपोर्ट किसी भी बड़े इन्वेस्टिगेशन की हो, उसमें नीचे लिखा हुआ होता है, आपने पढ़े होंगे, प्लीज़ कोरिलेट टू फिजिकल या फिर क्लिनिकल डायग्नोस। जो भी हम क्लिनिकली पेशेंट को देख रहे हैं, जो भी हम एग्जामिनेशन के दौरान देख रहे हैं, वही अहम चीज़ होती है। इन इन्वेस्टिगेशन को हम सिर्फ सपोर्टिव मानते हैं या हमें सिर्फ हेल्प करते हैं। हर डॉक्टर को चाहिए, हर मेडिकल स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आप को इस एबल बनाए, इस काबिल बनाए कि वो पेशेंट का सिर्फ एग्जामिनेशन करके या फिर यूँ समझ लीजिए कि पेशेंट को सिर्फ देख कर हम डायग्नोस कर लें। ये हमारी अपनी खुशी भी है, हमारे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगा भी, और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे के लिए जो है तो आसानी कर देगा। तो दोस्तों यही चीज़ हमारे साथ हुई, इसलिए आज हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो जब हमने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे और जब हमने ब्लड चेक किए, तो CBC जब हमने चेक किए, तो इनका एज भी दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाओगे, सिर्फ 3.7 इनका एज भी था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इससे पहले जो मैंने सिम्टम्स बताए पेशेंट के, इससे पहले जो साइन मैंने आपको बताया पेशेंट की, जिसको आप देख ही रहे हैं, जिसको आपने देखा, ये पेशेंट के मैंने वीडियो बनाया, क्लिप बनाया, जो कि हमारे पास रियल जो पेशेंट OPD में आता है और हम उसको देखते हैं, इससे हम लोग को एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि एनीमिक पेशेंट ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे भी पेशेंट देखा हो जो कि यह साइंस उनमें मौजूद नहीं है, ये अलामतें उनमें मौजूद नहीं है, या भी निशाने मौजूद नहीं है, इसके बावजूद कन्फर्म हो चुका है कि पेशेंट एनीमिक है। ठीक है, हमने रिपोर्ट भी करवा ली है,
बेसिकली हम लोग को इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन ये बेसिक बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं एडवांस की बातें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, लेकिन बेसिकली हम लोग को जब ये मालूम हो चुका है कि ये एनीमिक है तो अपने तौर से तो हम लोग को ट्रीटमेंट शुरू करना है, जो भी हमको करना है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एनीमिया को दूर करने के लिए या खून बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाइयों पर भी लिखा हुआ है और लोगों को टोटके या नुस्खे खुद पता है। हर इंसान आपको बताएगा कि खून बढ़ाने के लिए खाओ, खून बढ़ाने के लिए दवा लीजिए, या फिर आपको ऑनलाइन भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? डॉक्टर के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो उसका डायग्नोस करे, इसकी वजह मालूम करे कि इस पेशेंट का, जिनकी एज 34 है, जिनके बॉडी में सिर्फ 3 जो है ब्लड है या इतना कम खून है, इसकी वजह क्या है। तो डॉक्टर के ये सबसे अहम चीज़ यही है कि उसका काउज मालूम करे। तो काउज मालूम करने के लिए दोस्तों हम लोग को इसके टाइप्स मालूम होना चाहिए, हम लोग को एनीमिया पता होना चाहिए, हम लोग को एनीमिया की डिटेल मालूम होना चाहिए। फीमेल्स हैं, उसके अलावा मेल हैं, तो उनके अंदर HB की कमी है, प्रेगनेंसी है उसमें HB कम हो रहा है, बच्चे उनमें HB कम है, तो जिन लोगों को भी एनीमिक जो लोग हैं उनका एग्जैक्ट कॉज मालूम करना ये डॉक्टर की बेहतरीन एक जो है तो आर्ट है, और ये हमारी एक अपनी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज़ सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों जब तक इसके हमको टाइप्स मालूम नहीं होते, इसके बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे तो हमको एनीमिया नहीं समझ में आएगा। तो एनीमिया के जैसे कि टाइप्स होते हैं, पर्निशियस एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, विटामिन B12 की डिफिशेंसी के होने वाला एनीमिया है, ब्लड लॉस होने की वजह से होता है, एक्सीडेंटली होता है, इस तरह से बहुत सारों को पाइल्स के अंदर प्रॉब्लम में होता है, यानी कि जिसको हेमोराइड्स होता है ऐसों को भी जो है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, मेनोरेजिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से ब्लड लॉस होने के बहुत सारे कॉजेज हैं और इसके जो है तो टाइप्स भी हैं। इसको क्या करना चाहिए, उसके कॉजेज मालूम होना चाहिए होंगे और इसके अलावा टाइप्स मालूम होंगे, इसके बारे में डिटेल होगा, तभी हम लोग कन्फर्म कर पाएंगे और इनको सही जगह रिफ़र कर पाएंगे। ये था दोस्तों एक केस के ताल्लुक से बेसिक जानकारी देना चाहता था आपको मैं, किस तरह के ये एनीमिक पेशेंट होते हैं। इसके ताल्लुक से अगर कोई आपके जहन में सवालात है, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।